दोस्तों नमस्ते। ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से मैं राकेश शर्मा आपसे मुखातिब हूँ। आज है 27 दिसंबर 2021 का दिन, मंडे का दिन है। जैसे हम आज उठे सुबह तो हमने देखा पूरा शहर एक कोहरे की चादर से एकदम आच्छादित है, ढका हुआ, जैसे चादर ओढ़ के सोया हुआ है। हम कोहरे के अंदर से निकलते हुए शहर से होते हुए बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आज से एक ट्रेन 22471 को कैप्चर करने जा रहे हैं। ये बीकानेर का मुख्य स्थान कोट गेट है, कोट गेट जंक्शन। कोट गेट से हम निकल के जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। चारों तरफ धुंध के साया, फोग का साया, मिस्ट का साया, ठंडा, बहुत ठंडी मौसम है। और आज हमें सूचना मिली है कि 22471 जो ट्रेन है बीकानेर से चलकर दिल्ली सराय रोहिला जाती है, उसमें ट्विन TKDKL को आज लग के जाएंगे, तो उसे ही कैप्चर करने हम हमारी गाड़ी से सुबह निकल पड़े। ये बीकानेर का सबसे व्यस्तम रहने वाला बाजार है, केईम रोड, किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड, जिसका नाम महात्मा गांधी रोड भी है। मगर अभी 9 बज रहे हैं तो अभी थोड़ी बहुत आज कोई चहल पहल है, BDO का एग्ज़ाम है, तो सारे लोग खूब बच्चे, परीक्षार्थी, शिक्षणार्थी अपने अपने गंतव्य स्थल पर निकल पड़े। और ये बीकानेर से होते हुए हम स्टेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि नो एंट्री है उधर से, तो हम यहाँ पब्लिक पार्क के थ्रू होके जाएंगे। तो ये रतन बिहारी पार्क है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। और ये डागा बिल्डिंग के पास से हम मुड़ के निकल के सीधा जा रहे हैं। ये है सारा केईम रोड, जो धुंध के आगोश में सिमटा हुआ शहर, उनिंदा सा शहर यहाँ जा रहा है। और हम अब यहाँ से आके स्टेशन की तरफ निकलने वाले हैं। और ये मूर्ति सर्किल है, साधुल सिंह सर्किल, यहाँ साधुल सिंह सर्किल जी का मूर्ति है। इधर से होते हुए हम जूनागढ़ के पास से निकल के बीकानेर के रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। ये पब्लिक पार्क है, और पब्लिक पार्क अक्सर मैंने आपको जूनागढ़ फोर्ट दिखाया है, आज जूनागढ़ फोर्ट दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, और बिल्कुल पास आने पर ही कुछ दिखता है, बाकी दूर जाते आँखों से ओझल हो जाता है। बगल लेफ्ट साइड में मेरा जूनागढ़ चल रहा है और राइट साइड में मंदिर की श्रृंखला चलती है। तो ये सामने सूर सागर है, और सूर सागर के लेफ्ट में ये जूनागढ़ है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ शाम। और ये जूनागढ़ से हम वापस निकल के पब्लिक पार्क से होते हुए निकलेंगे। देखिए बहुत धुंधला छिछला सा दिख रहा है, सारे के सारे सफ़ेद चादर ओढ़ के सोए हुए हैं रात की सर्दी के अंदर। और ये शहर से होते हुए हम निकल पड़े पब्लिक पार्क से होते हुए, वहाँ से निकल कर हम सीधा बीकानेर के रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। क्योंकि आज गाड़ी एक है, इसके साथ हमें दो गाड़ियाँ और भी मिलने की संभावना है, क्योंकि बहुत घना कोहरा है और कोहरे में गाड़ियाँ अक्सर ही लेट होती हैं। तो ये हमारा बीकानेर रेलवे स्टेशन आ गया है, और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भी सफ़ेद चादर ढकी हुई है, सर्दी एकदम अच्छी खासी पड़ रही है, अनाउंसमेंट हो रहे हैं। भीड़ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सब ट्विटर कर अपने अपनी जगह छुप कर बैठे हैं। बीकानेर स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, मेन स्टेशन है, और ये मेन स्टेशन का सेकंड एंट्री गेट है, और ये हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने ये गाड़ी दिख रही है 5 नंबर पर। दोस्तों आज 27 दिसंबर 2021 का दिन है, और आज शानदार कोहरा पड़ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये बगल में बीकानेर दिल्ली एक गाड़ी खड़ी है, जिसमें आज ट्यूनल को जाएंगे खूबसूरत माहौल के अंदर। और आज एक अपडेट और है कि आज से जो लाइन का ब्लॉक लिया हुआ था मेड़ता रोड वाला, वह आज बंद हो रहा है, और आज पहली बार पैसेंजर जबकि सूरतगढ़ पैसेंजर वो वाया मेड़ता होकर निकलेगी, काफ़ी संभावना है। इसका हम वीडियो बनाएंगे, और अभी ये ट्यूनल को जा रहे हैं, इनका भी हम वीडियो बनाएंगे। तो बने रही हमारे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त। Thank you.
वाली गाड़ी संख्या 1, 5, 6, 3, 4 गुवाहाटी बीकानेर जंक्शन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ट्रेन जो आ रही है फुली LHU ट्रेन आ रही है, ये 2307 हावड़ा से चलकर बीकानेर को आने वाली ट्रेन है। ये हावड़ा से एक दिन पहले 23:50-25 पे चली थी और फिर बर्धमान, असनसोल, धनबाद, गया, अनुग्रह नारायण रोड, देरी ऑन सोन, सासाराम, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची है 9:55 पे सुबह, फिर मिर्ज़ापुर प्रयागराज 12:20 पे दोपहर को प्रयागराज पहुंची है, फिर फतेहपुर कानपुर सेंट्रल 14:55 पर, यानी कि लगभग 3 बजे कानपुर सेंट्रल आई है, फिर इटावा टूंडला आगरा फोर्ट आया था 19:35 पर शाम को, और फिर अचनेरा भरतपुर जयपुर 23:55 पे, यानी कि 24 बजे रात के 12 बजे करीब ही जयपुर आया है। और उसके बाद इसने अपना रूट बदल कर ये वाया जयपुर से सीकर, रिंगस, चूरू, रतनगढ़ होते हुए बीकानेर आई है। ये बीकानेर का इसका छोटा सा रूट है। चूँकि जयपुर तक कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, इसलिए इसका जो लोको है, लोको की अगर बात करें तो लोको इसका हावड़ा से लेकर जयपुर तक, हावड़ा का ही लोको इसमें इलेक्ट्रिक लोको आता है, WAP-7 जो हावड़ा से जयपुर तक उसको लेके आता है, फिर जयपुर से बीकानेर तक डीजल उसको लेके आता है, डीजल है DGKT शेयर का, WDP-4D, WDP-4B, WDP-4 इंजन इसको लेके आता है। और इस प्रकार ये गाड़ी अर्ली इन द मॉर्निंग में आ रही है, 2 घंटे विशेषकर लेट है फिर भी आ रही है। खूबसूरत 22471 ट्रेन का बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिला जाने वाली 9:30 जो ट्रेन चलती है उसको हॉल करके ले जाने वाले TKD के ट्विन एल्को, दोनों WDM-3 सीरीज के हैं, 3300 हॉर्स पावर के, दोनों को सिंक्रोनाइज करके और स्क्रू कपलिंग के अंदर कसके अभी उसको हॉल किया जाएगा। अभी कपलिंग शंटिंग इंजन को चलाने वाले शंटर्स हैं वो अभी कपलिंग करेंगे और उसके बाद ये गाड़ी तुरंत प्रभाव से शानदार चुगिंग होंकिंग के साथ निकलेगी। इसमें सभी रेलवे के स्टाफ मुस्तैद मौजूद हैं, इसमें शंटर और पॉइंट्समैन ट्रेन आ रही है वह है 15634
गुवाहाटी से लेकर बीकानेर को आने वाली गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, इसका इनॉग्रल रन शनिवार जुलाई 20, 2002 को हुआ था, जब से कंटिन्यू चल रही है। और ये गुवाहाटी से रात के 10:45 रात्रि को शनिवार को चली हुई है, और दो रात्रि की जर्नी के बाद ये आज सुबह 5:50 पर बीकानेर पहुंचना था, जो कि 2.25 घंटा लेट है। ये गुवाहाटी से बाड़मेर, इसके दो रेक चलते हैं, गुवाहाटी से बाड़मेर एक्सप्रेस का 15632, 15631 और एक 15634 ये बीकानेर वाला रेक है। लोको की अगर बात करें तो गुवाहाटी से न्यू कूच विहार तक इसमें, गुवाहाटी से न्यू कूच विहार तक इसके अंदर सिलीगुड़ी का WDP-4D या WDP-4B या WDP-4 इंजन डीजल इंजन लोको लगता है, क्योंकि और फिर न्यू कूच विहार से आगरा फोर्ट तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको चलता हुआ है, गाजियाबाद का WAP-7 या तुगलकाबाद का WAP-7 इसको हॉल करके लगता है अप टू आगरा फोर्ट तक, फिर आगरा फोर्ट से बीकानेर तक ये फिर डीजल लाइन बन जाती है, और इसको BGKT का WDP-4B, WDP-4D या WDP-4D इसको लेके आता है। कुल ट्रेवल टाइम इसका 40 घंटा 5 मिनट 30 हॉल्ट के साथ, कुल डिस्टेंस 2332 किलोमीटर का कवर करती है, और ये वीकली एक्सप्रेस है जो कि केवल शनिवार को वहाँ से चलती है और मंडे को भी कल पहुँचती है। हम जिस गाड़ी को कैप्चर करने आए थे वह गाड़ी अब अपने डिपार्चर के लिए तैयार है, फर्स्ट हॉर्न इसका बज चुका है और सेकंड हॉर्न के साथ ही ये यहाँ से शानदार डिपार्चर लेगी। दोनों एल्को हैं WDM-3A के, सिंक्रोनाइज होके 3300+3300 कुल 6600 हॉर्स पावर के बन, ये सिंक्रोनाइज होके बन चुके हैं, और इनकी चाल मदमाती चाल और स्पीड हॉकिंग देखिए और एंजॉय लीजिए।